दोस्तों हम आज बात करने वाले हैं एसईओ के बारे में। एसईओ का मतलब होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। दोस्तों आपने प्यारी सी वेबसाइट तो बना ली लेकिन उस पर गूगल थ्रू ट्रैफिक नहीं आता, ठीक है दोस्तों, ऑर्गेनाइज ट्रैफिक नहीं आता, तो ये सब कैसे करते हैं, चलिए वीडियो को देखते रहिए। मैंने जानी इश्क की गली, बस तेरी आहट मिली, मैंने चाहा चाहूं ना तुझे पर मैं। तो आपने प्यारी सी वेबसाइट तो बना ली लेकिन अब क्या करना है दोस्तों, आपको कीवर्ड रिसर्च करना पड़ेगा। कीवर्ड रिसर्च कैसे करते हैं, चलिए हम पहले वो सीख लेते हैं। तो आपको सबसे पहले गूगल ओपन करना है और गूगल में आपको जो भी कीवर्ड सर्च कराने हैं वो आपको सर्च करने हैं, ठीक है दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर मेरा कीवर्ड है वो आपको सर्च करके दिखाता हूँ, देसी गर्ल फोटोज, ठीक है दोस्तों। देसी गर्ल फोटोज में यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ तो यहाँ पर नीचे जो और कीवर्ड है वो आ रहे हैं। देसी गर्ल फोटो लिखते ही दोस्तों ये जो सब कीवर्ड आ रहे हैं, ठीक है दोस्तों। ये हम सजेस्ट करते हैं तो कितने कौन से कीवर्ड पर कितनी फाइट हो रही है, मतलब कितना ट्रैफिक आ रहा है पर मंथ, वो हमें चेक करना है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर मेरे पास एक पेड टूल है, ठीक है। यहाँ पर मैंने देसी गर्ल फोटोज जो है वो सर्च कराया, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ और बाद में बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों ये जो पहला वेला जो मेरी एप्लीकेशन है वो भी अभी यहाँ पर रैंक कर रही है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर हम एस लगाएंगे देसी फोटोस, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, एक मिनट, नेट स्लो चल रहा है। यहाँ पर जो फर्स्ट है वो मेरी साइट रैंक कर रही है, देख लीजिए दोस्तों, ये मेरी साइट है वो यहाँ पर रैंक कर रही है, ठीक है दोस्तों। अगर आप वीडियो मेरा देख रहे हैं तो कई बंदे एक्सपर्ट भी देख रहे होंगे मेरा वीडियो, तो वो बोल रहा होगा यार खुद की वेबसाइट रैंक नहीं है और हमें रैंक करने के लिए बोल रहा है, ठीक है दोस्तों। तो ये देख लीजिए मेरी साइट है, ये रैंक कर रही है, ठीक है, ये मेरी साइट है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, ये देसी गर्ल फोटो नाम की मेरी वेबसाइट है और एड्स भी कहाँ से चल रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपकी वेबसाइट अगर रैंक करती है तो आप बहुत ही पैसे कमा सकते हैं, ठीक है, ठीके? आप माइंड ब्लोइंग आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। लेकिन दोस्तों आपको फाइट करनी क्या है, ठीक है दोस्तों, आपको फाइट करनी है ज़्यादा ट्रैफिक लेकर आना है। तो दोस्तों आपको वो कीवर्ड ढूंढना होगा जहाँ पर ज़्यादा फाइट हो रही है, मतलब ज़्यादा वैल्यू है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों मेरे पास एचरेफ का टूल है, ठीक है, वो पर मंथ 10,000 लेता है, ठीक है, मेरे पास से। तो दोस्तों ये पेड टूल है, अगर आप खरीदना नहीं चाहते तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक फ्री कीवर्ड रिसर्च का टूल बता रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। उस पर आपको वो नहीं सजेस्ट करेगा कि पर मंथ कितना ट्रैफिक आता है, लेकिन आपके लिए दोस्तों मैं ये जो कीवर्ड रिसर्च का टूल है, ठीक है दोस्तों, keywordtools.io नाम की एक वेबसाइट है, वहाँ पर YouTube, Bing, Amazon, eBay, Play Store, Instagram, Twitter का आपका कीवर्ड यहाँ पर आपको यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, ठीके? और कितनी सर्च होती है वो यहाँ पर, ये भी पेड है, ठीक है दोस्तों, इसलिए ये यहाँ पर मेरे को शो कर रहा है, लेकिन दोस्तों आपको नहीं सर्च करेगा। ये पर मंथ देख लीजिए वॉल्यूम कितना है, ठीक है, यहाँ पर सर्च हो रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मेरे पास पेड टूल है, वहाँ से हम सर्च कराते हैं। यहाँ पर कीवर्ड एक्सप्लोरर लिखा है, वहाँ पर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, ठीक है, और फिर हमारा जो कीवर्ड है वो हम देखते हैं कितने पर मंथ सर्च होते हैं हमारे कीवर्ड्स पर। तो दोस्तों यहाँ पर गूगल में लिखा मैंने देसी गर्ल, ठीक है, देसी गर्ल लिखा है। अभी आपको फॉर एग्जांपल इंडिया में मैं यहाँ पर इंडिया में हूँ, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर सर्च वॉल्यूम दिखाई दे रहा है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 450 बंदे वो पर मंथ है वो इसको सर्च वॉल्यूम है इतना, 450 लोग पर मंथ इसको सर्च करते हैं, ठीक है दोस्तों। ये अंदाजित क्लिक इतने आ सकते हैं और ग्लोबल वॉल्यूम इतना है। इंडिया में, यूनाइटेड स्टेट में 150 लोग को ही सर्च करते हैं, पाकिस्तान में 100 और यूनाइटेड किंगडम में 40 और 20 और मलेशिया में 20। तो दोस्तों इस तरह से हम कीवर्ड रिसर्च करेंगे, ठीक है दोस्तों। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। तो दोस्तों ये सब तो हो गया, तो दोस्तों अब हम बात करेंगे ऑन पेज एसईओ के बारे में। आप सोचते होंगे ऑन पेज एसईओ क्या है, तो दोस्तों ऑन पेज एसईओ अपनी साइट के अंदर जो हम वर्क करते हैं उसको बोलते हैं ऑन पेज एसईओ। फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूं, फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपकी जो साइट है उसका टाइटल है हाउ टू मेक मनी, ठीक है दोस्तों। लेकिन दोस्तों आपने अपना टाइटल गलत दिया है, ठीक है दोस्तों, कोई भी और लिख दिया है हाउ टू मेक फास्ट मनी। तो दोस्तों आपको कौन सा कीवर्ड पर रैंक होना है, आपकी साइट है वो रैंक करानी है, ठीक है दोस्तों, तो उस पर आपको फोकस करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। मान लीजिए आपका जो आपकी वेबसाइट है उसका नाम आपने लग दिया देसी गर्ल फोटोज, जिस तरह से मेरी वेबसाइट है, ठीक है दोस्तों। तो मैंने आपकी जो वेबसाइट है उस पर जो कीवर्ड्स है वो मायने रखते हैं, ठीक है दोस्तों।
माइंड में रखिए, आपके जो कीवर्ड्स हैं वो आपकी वेबसाइट के अंदर आने चाहिए। मेरी साइट है देसी गर्ल फोटोज, ठीक है दोस्तों। तो देसी गर्ल फोटोज कोई भी बंदा सर्च करेंगे गूगल में तो मेरी साइट 1 to 10 पेज में रैंक करती आपको दिखाई दे रही होगी, ठीक है दोस्तों। तो इसी तरह से आपको कीवर्ड पर फोकस करना है, अपनी साइट पर जो अबाउट कॉन्टेक्ट है, जो भी आपने पेजेस बनाए हैं वहां पर आपको चेक करना है एक बार, ठीक है। सभी लिंक ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं तो वो सब आपको चेक करना पड़ता है, उसे बोलते हैं ऑन पेज एसईओ, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों अपन बात करते हैं HTTP बारे में और HTTPS के बारे में, बिटवीन द डिफरेंट। दोस्तों इन दोनों में डिफरेंट क्या है? दोस्तों आपने कई साइट देखी होगी, अगर आपकी साइट आप देखेंगे तो दोस्तों HTTPS होगा या फिर HTTP होगा, ठीक है दोस्तों। तो उसका डिफरेंट क्या है, उसका मीनिंग क्या होता है? तो दोस्तों जो HTTP है वो साइट सिक्योर नहीं है और HTTPS पीछे लगा हुआ है वो साइट सिक्योर है। तो ये सब कैसे करते हैं, चलिए इसको भी सीख लेते हैं ताकि आपकी जो साइट है यूजर को ट्रस्ट हो। अगर HTTPS आता है आपकी साइट पर तो यूजर है वो आपकी साइट को सिक्योर मानेगा और लॉग इन भी करेगा, जो भी आप करवाना चाहते हैं वो यूजर ट्रस्ट करेंगे आपकी साइट पर। अगर दोस्तों आपके पास वर्डप्रेस वेबसाइट है तो दोस्तों आपको SSL सर्टिफिकेट लेना है, मतलब जो HTTPS लगाना है आपके साइट के पीछे। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए मेरी साइट पे लॉक आ रहा है, मतलब मेरी साइट है वो सिक्योर है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको सिंपल अपने ऐड प्लगइन पर क्लिक करना है और SSL लिखना है। तो दोस्तों ये रियल सिंपल प्लगइन आपको एक्टिवेट कर लेना है, ठीक है दोस्तों। तो आपकी साइट सिक्योर हो जाएगी, वो भी फ्री में बिल्कुल। तो दोस्तों आपको ब्लॉगर यूज कर रहे हैं तो आपको कोई भी कुछ भी करने की टेंशन नहीं, वो ऑटोमेटिकली HTTPS में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आपका स्टैंडर्ड डोमेन है, मतलब कोई भी गोडेडी या रिसेल क्लब से नेमचिप से सॉरी बाय किया है तो वो सिक्योर ही होगा, ठीक है दोस्तों। वो ब्लॉगर ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देता है HTTPS में, मतलब आपको अपना जो होस्टिंग है डोमेन लिया है वहां पर आपको वो सब सेट करना पड़ता है। तो ये सिंपल है वर्डप्रेस वाले के लिए। तो दोस्तों इस तरह से हम HTTPS कर सकते हैं और हमारी साइट को सिक्योर रख सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। दोस्तों ये सब तो हो गया, अब हम बात करेंगे बाउंस रेट की। दोस्तों बाउंस रेट क्या होता है? आपकी साइट पर यूजर आता है, ठीक है दोस्तों, आता है तो फिर कितनी देर आपकी साइट पर वेट करता है, क्या देखता है, क्या करता है, ठीक है दोस्तों। वो कुछ भी कर रहा है लेकिन कितने वक्त आपकी साइट पर यूजर सब ठहरते हैं, ठीक है दोस्तों, कितने वक्त वेट करते हैं, कितने वक्त वो रीड कर रहे हैं, उस पर डिपेंड रहता है बाउंस रेट का। दोस्तों बाउंस रेट बहुत ही लो होना चाहिए, ठीक है। आपका बाउंस रेट जब भी लो होगा दोस्तों आपकी साइट फटाक से ऊपर आएगी और आपकी साइट रैंक करने लग जाएंगी। साइट में इसलिए बाउंस रेट का महत्तम हिस्सा होता है क्योंकि दोस्तों गूगल है वो उसका पावरफुल माइंड है, ठीक है दोस्तों। हम गूगल के जो कंपैरिजन है हमारे दिमाग के साथ नहीं कर सकते क्योंकि दोस्तों एडवांस गूगल हो चुका है। गूगल वो पता लगाता है, ठीक है दोस्तों, अगर 1 to 10 लिस्ट आ रही है साइट की और बंदा है वो 10th जो 10th नंबर पर है, ठीक है दोस्तों, 10वें नंबर पर साइट है उस पर ही सब लोग जा रहे हैं, तो मान लीजिए दोस्तों गूगल है वो आपकी साइट ऊपर ऊपर लेके आएगा टॉप पे। सारे बंदे 10वीं नंबर पे साइट पर ही जा रहे हैं तो दोस्तों गूगल सोचेगा भाई मैं 1 से 9 लिस्ट बता रहा हूं लेकिन सारे लोग तो 10 नंबर की साइट पर ही विजिट कर रहे हैं, तो इस साइट में कुछ खास है। इसलिए दोस्तों आपकी साइट रैंक करानी है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको मेरी साइट बता देता हूँ, ठीक है दोस्तों, एक्सपेरिमेंट कीजिए, ठीक है, एक्सपीरियंस कीजिए, मेरी साइट पर जाइए। अभी फिलहाल 5th नंबर पे या 6th नंबर पे गूगल में रैंक कर रही है मेरी साइट। आप सभी देसी गर्ल्स फोटोज लिखिए, ठीक है, पीछे एस करना है, विदाउट पेस देसी गर्ल फोटोज लिखिए और मेरी साइट पर आप विजिट कीजिए, फिर हम देखते हैं हमारी साइट जो है वो रैंक में फर्स्ट आ रही है या नहीं आ रही। मेरा कहना तो ऐसा ही है दोस्तों, जिस वेबसाइट पर ट्रैफिक आता है वो वेबसाइट फटाक से रैंक करती है। तो आप ही इसी मेथड को फॉलो कीजिए और एक्सपीरियंस करना है तो मेरी साइट पर जाइए और क्लिक कीजिए, सारे मुझे भी सपोर्ट कीजिए, ठीक है दोस्तों, और फिर देखिए 15 या 20 दिन में मेरी साइट भी टॉप पर होगी। अब दोस्तों बात करेंगे CTR की। दोस्तों क्लिक थ्रू रेट, क्या कितने बंदे आपकी साइट पर आ रहे हैं, वो कितने बंदे आपकी एड्स पर क्लिक कर रहे हैं, वो सब मायने रखता है SEO में, ठीक है दोस्तों। तो वहां से आपको बेनिफिट होगा, अगर ज्यादा बंदे आपको आपकी एड्स पर क्लिक कर रहे हैं तो आपको बेनिफिट बहुत ही होने वाला है। दोस्तों ये बात होगी ऑन पेज SEO की, अब हम बात करने वाले हैं ऑफ पेज SEO की, ठीक है दोस्तों। तो जो ऑफ पेज SEO है उसका 50% हिस्सा रहता है साइट रैंक कराने में, ठीक है दोस्तों। तो ऑफ पेज SEO कैसे करते हैं, ठीक है दोस्तों, तो ऑफ पेज SEO बैकलिंक के जरिए
करा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आप सोच रहे होंगे आपके दिमाग में बैकलिंक क्या होता है। भाई कई ऐसे टूल दिए गए हैं, पेड टूल है जो मैं यूज कर रहा हूं, पर मंथ 10,000 पेड करके यूज कर रहा हूं। अगर आपको यूज करना है तो आप भी कर सकते हैं, और कई ऐसे बंदे भी है वो फ्री में तो नहीं दे रहे, लेकिन 500-600 में तो मिल ही जाता है, लेकिन उस टाइप का बंदा आपको ढूंढना पड़ेगा। जो मैं आपको टूल दिखाता हूं वो पेड टूल है, और दूसरा टूल दिखाऊंगा कीवर्ड रिसर्च का, वो बिल्कुल फ्री टूल है। ठीक है दोस्तों, तो उसी के जरिए सभी वेबसाइट का फंडा निकल के बाहर आता है। ठीक है, क्या घुमा फिरा के उसने क्या किया है। ठीक है दोस्तों, उनकी वेबसाइट पर कितने बैकलिंक्स बनाए हैं, पर डे कितना ट्रैफिक आता है, सब कुछ डिटेल किसी भी साइट की डिटेल आपको मिल जाएंगी, चाहे कोई भी कंट्री की हो। ठीक है दोस्तों, वो टूल सभी की डिटेल रखता है, जिस तरह से हमारी डिटेल्स गवर्नमेंट रखती है उसी तरह ये डिटेल एचरेफ रखता है। ठीक है दोस्तों, इसे थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। तो दोस्तों मेरे पास जो टूल है एचरेफ, ठीक है दोस्तों, वो पर मंथ 10,000 पेड करना पड़ता है, और मैं पेड करता हूँ ये जो साइट रैंक कराने के लिए। कीवर्ड्स मिलते हैं, ठीक है, कितना वॉल्यूम है कीवर्ड का, कितना ट्रैफिक आ रहा है, कितना मनी कमा रहा है, कौन सी साइट कितने पैसे कमा रही है, कहाँ से बैकलिंक आ रही है, ठीक है दोस्तों, कौन सी वेबसाइट पर बैकलिंक रहा है, सब कुछ डिटेल में आपको मैं समझाने वाला हूँ इसी वीडियो में, और अभी समझाने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, वीडियो को स्किप मत करना और कंप्लीट एसईओ सीखना मेरे भाई, तब भी आप पैसे कमा सकते हो। ठीक है, अगर आपकी साइट रैंक करानी है तो दोस्तों यहाँ पर मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये HTTP रिमूव कर देता हूँ। मैंने URL कॉपी किया है, कौन सी साइट है, टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक है दोस्तों, timesofindia.com। तो यहाँ पर हम सर्च करते हैं, यहाँ पर मेरे पेड टूल है वहाँ पर। ठीक है दोस्तों, कई सारे फ्री टूल भी अवेलेबल है, वहाँ जाकर आप भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों ये बेस्ट जो इंडिया का है वो HREF बेस्ट टूल है, सभी लोग यही यूज़ करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले HREF पर रैंक की बात करें तो ये 600 में रैंक पर है, उसका URL रेटिंग देखें तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं 85 URL रेटिंग है, और DR डोमेन रेटिंग देखें तो दोस्तों 91% डोमेन रेटिंग है। ठीक है दोस्तों, ये DR एंड UR बहुत ही मायने रखता है। ठीक है दोस्तों, और जिस तरह से DAPA रखता है, ठीक है, उस तरह से ये भी रखता है। दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बताया बैकलिंक, देख लीजिए दोस्तों यहाँ पर ये जो बंदा है, ठीक है, जो भी ओनर है इसका, इसकी साइट पर बैकलिंक देख लीजिए आप, ठीक है, 50 मिलियन प्लस बैकलिंक है यहाँ पर, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। ठीक है दोस्तों, इतने साइट पर ये लिंक है। ठीक है दोस्तों, 50 मिलियन प्लस मतलब कितना हुआ, आप कैलकुलेशन हिसाब कर लीजिए। और बात करें तो दोस्तों इसका रेफरल डोमेन है, ठीक है दोस्तों, ये रेफरल डोमेन बता रहा है करीब 170K। ठीक है दोस्तों, और ऑर्गेनाइज कीवर्ड्स है, ठीक है दोस्तों, इस वेबसाइट पर ऑर्गेनाइज कीवर्ड है 10 मिलियन प्लस, मतलब 1 करोड़ से भी ज़्यादा इसके ऑर्गेनिक कीवर्ड्स है। ठीक है दोस्तों, इस साइट पर और ऑर्गेनिक ट्रैफिक, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 53 मिलियन प्लस ट्रैफिक आता है इसका, इस साइट का पर मंथ का, और इसकी इनकम जरा देख लो भाइयों, इसकी अप्रोक्सीमेट यहाँ पर इनकम वो दिखाती है। ठीक है दोस्तों, ये इससे ज़्यादा भी हो सकती है या भी कम हो सकती है। ठीक है दोस्तों, मतलब इनकम तो बहुत अच्छी खासी ये जो वेबसाइट है वो कर रही है। ठीक है, 10 मिलियन प्लस डॉलर, ठीक है दोस्तों, इतना ये वेबसाइट है वो निकाल रही है पर मंथ का। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर नीचे आए तो, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर टुडे या 3 फास्ट मंथ, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए। और यहाँ पर हम बैकलिंक की बात करें तो दोस्तों यहाँ राइट क्लिक करके हम इसकी बैकलिंक देख लेते हैं, कौन सी साइट से ये साइट ने बैकलिंक लिया है। ठीक है दोस्तों, सबका फंडा यहाँ पर निकल जाता है। अगर आप भी बैकलिंक लेना चाहते तो हम ऐसे ही करते हैं। ठीक है दोस्तों, हाई डोमेन अथॉरिटी की साइट होती है, उस वेबसाइट ने कहाँ से बैकलिंक लिया ध्यान से बात समझिए, बैकलिंक का ही 50% हिस्सा होता है रैंक कराने में साइट में, जिस तरह से मैंने पहले बताया। ठीक है दोस्तों, खास ध्यान रखिए, यहाँ पर बैकलिंक का ही हिस्सा होता है, यहाँ पर हमें चेक करना है ये जो टाइम्स ऑफ इंडिया जो भी ओनर है, ठीक है दोस्तों, उसने कहाँ कहाँ से बैकलिंक लिया है, विकिपीडिया में लिया है। ठीक है दोस्तों, ये यहाँ पर विकिपीडिया से भी ट्रैफिक आता है, यहाँ पर देख लीजिए सारी URL आ रही है। ठीक है दोस्तों, ये सारी URL है वहाँ पर उसका बैकलिंक वो है लिया गया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जर्मनी देख लीजिए, चाइना, विकिपीडिया, फेसबुक, यहाँ पर सबसे सभी जगह से ट्रैफिक आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से बैकलिंक हम ढूंढते हैं। ठीक है, और भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, और यू में जाकर यहाँ पर डू फॉलो बैकलिंक है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए डू फॉलो बैकलिंक, तो दोस्तों इससे डू फॉलो बैकलिंक है। ठीक है, यहाँ पर टोटल बैकलिंक कितने बता रहे हैं, ठीक है दोस्तों, 50 मिलियन प्लस बता रहे हैं, तो यहाँ पर डू फॉलो बैकलिंक है, उसने करीब 1.5 लाख बैकलिंक है। ठीक है,
वो गवर्नमेंट बैकलिन कितना है, यहाँ पर गवर्नमेंट बैकलिन भी लेना पड़ता है ठीक है दोस्तों। वो ट्रस्टेड होते हैं और उसने शायद पेड कर पर भी मतलब पैसे देकर भी बैकलिन खरीदे हो ठीक है। वहां से बहुत ही ट्रैफिक आता है गवर्नमेंट वेबसाइट पे और वहां से सीधे रीडायरेक्ट होते हैं ये वेबसाइट पे। यहाँ पर एजुकेशन .com जितनी वेबसाइट है वहां पर इसने बैकलिन बनाया हुआ है ठीक है दोस्तों। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो कौन सी वेबसाइट पर इसने जो बैकलिन बनाया है वो सब कुछ डिटेल में आपको मिल जाएगा ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से HRF टूल है वो जो काम करता है। और यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए कंटेंट एक्सप्लोरर, कीवर्ड एक्सप्लोरर, मतलब आप कीवर्ड्स देखना चाहते हैं ठीक है, किस कीवर्ड का कितना पर मंथ सर्च वॉल्यूम है, वो सब कुछ ये टूल है वो प्रोवाइड करता है। किसी भी साइट का घुमा फिरा के बोले तो आप किसी भी साइट का जो भी डिटेल लेना चाहते हैं इस साइट से मिल जाता है ठीक है दोस्तों। HRF टूल बेस्ट टूल है ठीक है और ट्रस्टेड भी है। तो दोस्तों ये होगी HRF टूल की बात। अब दोस्तों बात करेंगे बैकलिन के बारे में। बैकलिन टू टाइप की होती है ठीक है, डू फॉलो बैकलिन एंड नो फॉलो बैकलिन। दोस्तों आपको यहाँ पर डू फॉलो बैकलिन ही लेनी है ठीक है। नो फॉलो बैकलिन है वो ज्यादा देर काम नहीं करती है, इसलिए आपको डू फॉलो बैकलिन लेना है। वो किस तरह से लेने का है मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए मेरी साइट है desigalphotos.com ठीक है दोस्तों। फिलहाल में आप 1 ईयर के बाद मेरा वीडियो देख रहे हैं तो पता नहीं मेरी साइट चल रही है या नहीं चल रही, लेकिन फिलहाल मेरी यही साइट है तो मैं आपको बता देता हूँ ठीक है दोस्तों। और क्लिक मत करना मेरे भाई, मेरा एडसेंस है वो डिसेबल हो जाएगा। तो दोस्तों जो मेरी साइट है ठीक है देसीगल फोटोज और आपकी साइट है मान लीजिए hello.com, तो दोस्तों आपकी hello.com की जो साइट है उसकी लिंक मैं मेरे जो यू पोस्ट में डाल देता हूँ ठीक है, या फिर कमेंट में डाल देता हूँ ठीक है दोस्तों। तो आपकी और मेरी दोनों की एक लिंक बन गई ठीक है दोस्तों, उसे बोलते हैं बैकलिन। मतलब क्या हुआ दोस्तों, जो आपकी हेलो वेबसाइट है उस पर वो मैंने मेरी वेबसाइट पर डाली है ठीक है दोस्तों। तो मेरी वेबसाइट पर जितने भी बंदे आते हैं ठीक है दोस्तों और आपकी साइट दिखाई दे रही है ठीक है दोस्तों मेरी साइट पे, तो वो क्लिक करके आपकी साइट पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। मतलब घुमा फिरा के बोले तो दोस्तों मेरी साइट पर जो बंदे आते हैं ठीक है वो 50% या फिर उससे ज्यादा भी लोग आपकी साइट पर रीडायरेक्ट हो गए और आपको वहां से ट्राफिक मिलना लग जाएगा। तो इसे बोलते हैं दोस्तों बैकलिन। बैकलिन 50% काम करती है आपकी साइट को रैंक कराने में ठीक है दोस्तों। इस तरह की आपको ढेर सारी बैकलिंक बनानी है तब भी आपकी साइट है वो रैंक करेंगी। और दोस्तों इसका DF भी है, सभी साइट का चेक करना बहुत ही जरूरी होता है और स्पैम कोर भी चेक करना बहुत ही जरूरी होता है, वो मैं आपको HRF टूल में बता दूंगा ठीक है। तो दोस्तों बात करेंगे अब पर्सनल ब्लॉग के बारे में। दोस्तों कई बंदे हैं वो साइट बाय करके बेच देते हैं ठीक है दोस्तों। तो ये क्या होता है दोस्तों, ये पैसे कमाने का एक मेथड सिंपल सा होता है। फॉर एग्जांपल मैं बता देता हूँ, मेरी साइट है देसिकल फोटोज ठीक है दोस्तों। तो वहां पर मैंने .com लिया है, तो दोस्तों मैंने .in नहीं बाय किया, .net बाय नहीं किया, .site नहीं बाय किया, .online बाय नहीं किया दोस्तों, क्योंकि पैसे लगते हैं डोमेन खरीदने के लिए ठीक है। और मैं क्यों, मुझे अभी रिक्वायरमेंट नहीं है तो मैं क्यों वो साइट बाय करूंगा। टॉप लेवल डोमेन मुझे मिल गया है तो ठीक है, चलो मेरा भी चलेगा। लेकिन क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर आपकी साइट है वो रैंक कर जाती है और पर डे का 10 लाख 20 लाख ठीक है दोस्तों, 20 लाख जो ट्रैफिक आता है आपकी साइट पर, तो तब भी आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी आपको सभी साइट की, क्योंकि एक आपकी ब्रांड होती है ठीक है दोस्तों। आप सभी साइट .in xyz सब वगैरह आप लेना चाहेंगे चाहे कितने भी पैसे इन्वेस्ट करने हो ठीक है दोस्तों आपकी वेबसाइट बिजनेस पर। दोस्तों मुकेश अंबानी ने जो jio myjio.com, तो दोस्तों उसको .com की नहीं रिक्वायरमेंट, सभी की रिक्वायरमेंट है .in, तो वो आपको ऑफर करेंगे और ढेर सारे पैसे भी दे देंगे ठीक है दोस्तों। तो इसी हिसाब से अपना पर्सनल ब्लॉग बनाते हैं और लोग, और जब भी बंदे को रिक्वायरमेंट हो वो आपको ढूंढ ही लेगा। तो इस तरह से, और दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और YouTube चैनल का जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।